Good morning, students. Welcome in the next lecture of Pharmaceutics 2. We are discussing the chapter Monophasic Equidosis Form. In this chapter, up to date, we have discussed what are solutions. We have completed the topic solubility. After that, we have studied the liquids used for internal use. In liquid used for internal use, you have studied different type of mixtures. After that, you have studied syrup. Now, in that continuity, we are going to discuss the next topic, that is elixirs. Similar to syrups, elixirs are also sweet preparations. So, what is the definition of elixir? Elixirs are clear, sweetened, aromatic, hydrophilic liquid intended for oral use. So, kya hai iska meaning? Ki elixirs kya hoti hai? बिल्कुल सिरप की तरह ही होती है, बस थोड़े से इनके डिफरेंस होते हैं। ये होती है बिल्कुल क्लियर, स्वीटेंड होती है बिल्कुल, और एरोमेटिक होती है, कोई अच्छा सा अरोमा होता है इनके अंदर। हाइड्रो अल्कोहलिक होती है, वाटर प्लस अल्कोहल का कॉम्बिनेशन हम इनमें यूज करते हैं। और ये भी किस पर्पज के लिए होती है? पेशेंट को ओरली एडमिनिस्टर करने के लिए एलिक्सर जो है वो बनाई जाती है। अब एलिक्सर के अंदर कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इन द कंसंट्रेशन रेंज 5 to 40, 5 से लेकर 40% तक इथाइल अल्कोहल को आप यूज करते हैं। वाटर को यूज करते हैं, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल को यूज करते हैं, फ्लेविंग एजेंट यूज करते हैं, कोई कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, और साथ में हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं। अब एलिक्सर्स जो आती है मार्केट में, फ्लेवर्ड आती है, जिनके अंदर कोई अच्छा फ्लेवर होता है, अरोमा होता है, ठीक है, और बेहतर होता है, उसमें मेडिकेटेड एलिक्सर्स। मेडिकेटेड एलिक्सर्स में ज्यादातर हमारे पास कोई ना कोई इंपोर्टेंट ड्रग्स हम उनके अंदर डालते हैं, एंटीबायोटिक्स डालते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स डालते हैं, या एक्सपेक्टोरेंट्स डालते हैं, और सेडेटिव्स डालते हैं। आप सब आप लोगों ने कॉलेजी में हिस्ट्री में ये सारी ड्रग्स पढ़ी हैं। एंटीबायोटिक्स आप लोगों को इन्फेक्शन के लिए डालते हैं, रेस्पिरेटरी एक्टिव, फिर एंटी हिस्टामिनिक जो एंटी एलर्जिक एलर्जिक कफ वगैरह के लिए, ठीक है, उसके अलावा सेडेटिव पेशेंट के जो उसको काम डाउन करने के लिए, सेडेटिव इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये ड्रग जो है हम एलिक्सर्स के अंदर डालते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर। जब आपने एलिक्सर बनानी है तो उसके अंदर आपने कौन कौन सी टाइप के इंग्रेडिएंट्स डालने हैं? तो सबसे पहले है आपका मेकर। आप जब एलिक्सर बनाने लगेंगे कौन सा व्हीकल आप उसके अंदर यूज करेंगे? तो बहुत सारे व्हीकल हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, सिंपल सिरप, ग्लिसरीन, सॉबिडोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। अब देखिए आप, वाटर हम जो है वो फॉर्मली व्हीकल है हमारा, कि वाटर के अंदर मेजोरिटी मेडिसिन जो है वो सॉल्युबल भी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा वाटर के अलावा जो और हम एलिक्सर्स के अंदर व्हीकल यूज करते हैं उसमें हमारा एक आता है मेन अल्कोहल। अल्कोहल जो है हम यूज करते हैं 5 to 40% कंसंट्रेशन में। जो ड्रग्स वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रही हैं, जो ड्रग्स फ्रीली सॉल्युबल में अल्कोहल है, तो अल्कोहल डाल के आप बिल्कुल क्लियर एलिक्सर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंडली जो आप फ्लेवरिंग एजेंट डाल रहे हैं, अगर वो एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में है तो आप एसेंशियल ऑयल या वॉलेटाइल ऑयल्स उनको आप अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व करके इजिली इनकॉर्पोरेट कर सकते हो एलिक्सर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी व्हीकल्स होते हैं, जैसे आप ग्लिसरीन यूज करते हो, ठीक है, इसके अलावा आप सॉबिडोल यूज करते हो, प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज करते हो, ये जो होते हैं ये भी बहुत सारी केसेस में क्या होता है कि ड्रग्स को डिसॉल्व करने का काम करते हैं, जो ड्रग नॉर्मली वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होती है। अब देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है पैरासिटामोल की। पैरासिटामोल की जो एलिक्सर है वो मार्केट में आती है, जो पैरासिटामोल ड्रग है उसकी वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है बहुत कम है, स्लाइटली सॉल्युबल है। तो आप उसके एलिक्सर बनाने जब चलते हैं कि प्रेडेंटेशन प्रोडेटिव यूज के लिए, मतलब बच्चों के लिए जब आप उसके एलिक्सर बनाते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वाटर, अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, इवन ग्लिसरीन भी डाली जाती है। सो इन सब का कॉम्बिनेशन का व्हीकल आप बनाते हो, उसके अंदर आप पैरासिटामोल जो है डिजॉल्व करते हो, ठीक है। मोस्टली वाटर हम बहुत प्रेफर भी नहीं करते, हम मोस्टली अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल लेते हैं और ग्लिसरीन लेते हैं, फिर इस प्रोडक्ट को हम स्वीटन करते हैं। तो इस तरीके से आप पैरासिटामोल की जो
थोड़ी विस्कस ट्रीटमेंट डालनी है। नेक्स्ट एडिटिव्स, एडिटिव्स में फर्स्ट क्या है, केमिकल स्टेबिलाईजर। ठीक है, तो प्रोडक्ट की जो केमिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम केमिकल स्टेबिलाईजर डालते हैं। अलग अलग टाइप के केमिकल स्टेबिलाईजर डाल जाते हैं, तो इसमें आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे नियोमाइसिन एलिक्सर की एग्जाम्पल है, उस एलिक्सर के अंदर हम जो है सिट्रिक एसिड डालते हैं। हम सिट्रिक एसिड क्यों डालते हैं, हम सिट्रिक एसिड डालते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो पीएच है वो 4 और 5 की रेंज में मेंटेन कर सके। अगर इस रेंज में पीएच मेंटेन रहेगी तो उसका क्या एडवांटेज रहता है कि आपकी जो एलिक्सर है वो डार्क नहीं होती। जैसे बड़ी बड़ी क्या होता है कि उसका कलर जो है डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इस रेंज में जो है पीएच को मेंटेन करते हैं तो प्रोडक्ट का कलर जो है वो डार्क नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है डाइसोडियम एडिटेट, जो आपने EDTA पढ़ा हुआ है उसी का ही डाइसोडियम एडिटेट, उसको हम डालते हैं एक्टिवेटिंग एजेंट इसी एलिक्सर के अंदर ताकि जो हैवी मेटल्स हैं उनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके और प्रोडक्ट को डिटोरिएशन से बचा सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल स्टेबलाइजर। नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट, कौन से कलरिंग एजेंट आप डालते हैं। तो कलरिंग एजेंट की एग्जाम्पल है ओल्टा डाइस, जैसे एमरेंट कंपाउंड टाट्राजिन, टाट्राजिन अकेला टाट्राजिन और ग्रीन एस, ये जो है एग्जाम्पल है कलरिंग एजेंट की, ये हम एलिक्सर्स के अंदर डाल रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट, तो फ्लेवरिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ब्लैक करंट सिरप, रसमरी सिरप, लेमन सिरप और ऑरेंज सिरप, ये हम फ्लेवरिंग एजेंट एलिक्सर्स के अंदर यूज करते हैं। और नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव, अब आप जानते हैं कि किसी भी प्रेपरेशन में अगर एल्कोहल की जो कंसेंट्रेशन है दैट इज अप टू 20% और मोर देन 20%, यानी किसी प्रोडक्ट में आपने 20% या उससे ज़्यादा एल्कोहल डाला हुआ है, आपको उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एल्कोहल एक्ट्स एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव। तो अब एलिक्सर में देखिए आप यूज करेंगे 5 to 40%, तो अगर आपने मोर देन 20% एल्कोहल डाला हुआ है तो आपको कोई भी और प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, इथाइल एल्कोहल ही एज प्रिजर्वेटिव एक्ट करेगा। इसके अलावा जैसे आपने सिंपल सिरप डाला हुआ है तो उसका भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हाई होता है, तो नॉर्मली वो बैक्टीरियल मोल्ड की ग्रोथ नहीं होने देता। बट फिर भी अगर आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है तो आप यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म वाटर इन डबल स्ट्रेंथ, उसके अलावा बेंजोइक एसिड और मिथाइल पैराबेन, इनको आप एलिक्सर के अंदर एज प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो ये हो गया आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ एलिक्सर की, वहीकल कौन से हैं और कौन कौन से एडिटिव आपने डालने हैं। उसके बाद आती है स्टोरेज, स्टोरेज क्या है, वेल फिल्ड वेल क्लोज कंटेनर्स। ठीक है, एयर टाइट ग्लास बॉटल्स भी होती हैं, इवन आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स भी आती हैं, और उनकी जो स्टोरेज है कूल प्लेस है लाइक। तो ये आपका टॉपिक है दैट इज एलिक्सर। अब देखिए एलिक्सर का ये टॉपिक है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऐसे करा सकता है, बट मोस्टली ये पेपर में आता है वो डिफरेंस की फॉर्म में आता है, डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। सिरप मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारा समझा दिया था, एलिक्सर आपको इस लेक्चर में सारा करा दिया है। तो आपने क्या पेपर में लिखना है, आपने पॉइंट्स की फॉर्म में डेफिनेशन से पहला पॉइंट बनाने शुरू कर देंगे, फिर एडिटेज बना देंगे, ऐसे करके आपने मिनिमम 5-6 पॉइंट्स जो है इसके बनाने हैं। तो डिफरेंस की फॉर्म में आप एक क्वेश्चन लर्न करिए, बुक्स में आपको रेडीमेड डिफरेंस नहीं मिलेंगे, डिफरेंस आपको खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है लिंथेसिस। अब लिंथेसिस क्या होती है, लिंथेसिस इज विस्कस लिक्विड ओरल प्रेपरेशंस जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। लिंथेसिस क्या होते हैं, बहुत गाढ़ी लिक्विड प्रेपरेशंस होती हैं, ओरल यूज के लिए होती हैं और मोस्टली ये कफ में ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं, हैविंग डिमर्सेंट सेडेटिव और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। अब देखिए पहला एक्शन क्या है, डिमर्सेंट, आपके थ्रोट में इरिटेशन होती है जब आपको कफ हुई है तो ये आपके थ्रोट को सूंधने की इफेक्ट प्रोवाइड करती है, तो डिमर्सेंट एक्शन हुआ आपका। उसके बाद सेडेटिव, वही आपके ब्रेन को काम डाउन करती है। ठीक है, और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन, एक्सपेक्टोरेंट एक्शन आप जानते हैं विच इज यूज, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, विच इज यूज टू डाइल्यूट द म्यूकस एंड हेल्प्स एक्सपेल आउट फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस इकट्ठा हुआ है उस म्यूकस को
तो लिटसिल इसलिए मोस्टली कफ में ही दिया जाता है। अब लिटसिल हम बहुत ही डिस्कस बनाते हैं और इनको लेने का तरीका क्या होता है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे करना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट को मेडिसिन दी, पेशेंट ने लिक्विड लिया स्पून के साथ में उसने पानी पी लिया, ठीक है। लिटसिल में क्या करना है हमने कि लिटसिल को बहुत स्लोली आपने स्वेलो करना है, अंदर आपने लेके पहले स्पून से पेशेंट ने अंदर रखना है अपने थ्रोट में मैक्सिमम टाइम तक और धीरे धीरे उसको स्वेलो करना है विदाउट डाइल्यूटिंग विद वाटर, इसके साथ पानी नहीं पीना है, उससे जो है आपका डिमर्सेंट एक्शन है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। वो डाइल्यूट हो गया, वो अंदर चला गया तो आपके थ्रोट में जो डिमर्सेंट एक्शन आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको थिक बनाया जाता है, विस्कस बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम टाइम ये आपके थ्रोट की कैविटी में रह सके और आपने इनको डाइल्यूट नहीं करना है विद वाटर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मुलेशन ऑफ लिटसिल। लिटसिल जब आपने बनानी है तो आप उसके अंदर क्या क्या डालेंगे, तो सबसे पहले वही चीज व्हीकल, जो फर्स्ट होता है आपका कि व्हीकल में क्या है, सिंपल सिरप। लिटसिल में मैंने अभी आपको बोला कि स्वीट बनाए जाते हैं और ये गाढ़े बनाए जाते हैं, इसलिए गाढ़े बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सिरप को एज व्हीकल यूज करेंगे, ठीक है। और कई बार सिर्फ टोलू भी यूज की जाती है, सिर्फ टोलू में ये एरोमेटिक पाउडर होता है जिसका भी एडवांटेज होता है। दूसरा सिर्फ टोलू में ये भी कहा जाता है कि इसका माइल्ड एक्सपेक्टेंट एक्शन भी है, तो वो जो भी आपको मैंने एक्सपेक्टेंट एक्शन समझाया तो व्हीकल से भी थोड़ा बहुत आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्ट सिरप, विस्ट्री और सॉर्बिडो, इन सबको भी व्हीकल यूज किया जाता है, यानी सिंपल सिरप, सिरप टोलू, सॉर्बिडोल, इनवर्ट सिरप और इनको हम यूज करते हैं एज व्हीकल इन लिटसिल्स। उसके बाद आते हैं एडिटिव। एडिटिव में क्या है, केमिकल स्टेबलाइजर्स। केमिकल स्टेबलाइजर हम मोस्टली डालते ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये जो इनके अंदर हम सिंपल सिरप को व्हीकल यूज कर रहे हैं तो सिंपल सिरप है ऑटोमेटिकली उसको केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट वो भी सारे हमारे ओवर टाइप्स हैं उनको हम कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, जिसमें आपकी आएगी टाटराजी, उसके अलावा जो टाटराजी एस है, बी है, ये सारी यूज होती है। उसके बाद आता है फ्लेवरिंग एजेंट। तो फ्लेवरिंग एजेंट इसमें है लेमन सिरप, ब्लैक करंट सिरप, इनको हम यूज करते हैं। कुछ केमिकल फ्लेवर्स भी हम यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल और बेंजाइन है स्पिरिट, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिंपल सिरप है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बैक्टीरिया और मोल्ड की ग्रोथ को नहीं होने देता। अगर आप सिरप टोलू यूज कर रहे हैं तो भी आपको प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिरप टोलू के अंदर भी एंटी बैक्टीरियल एक्शन होता है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे उनके अंदर जिसमें हम कुछ और जैसे सॉर्बिडोल डालते हैं एज व्हीकल, तब आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा, जैसे आप डालते हैं क्लोरोफॉर्म स्प्रे या जिंटोरिक एसिड, क्लियर। इसके बाद आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, ये भी वेल फिल्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर, इनकी भी जो स्टोरेज है कूल प्लेस है और प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट है, सिंपल ग्लास बॉटल या प्लास्टिक बॉटल में आप इनको स्टोर करते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक लिटसिल्स। इसके बाद आते हैं ड्रॉप्स, ये आप सबने देखे भी होंगे ड्रॉप्स। लिक्विड ब्रैकेशन मेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को ओरली एडमिनिस्टर करने के लिए ड्रॉप्स लिक्विड ब्रैकेशन होती है। ये जो ड्रग्स होती हैं, ये जो फॉर्मुलेशन होती है, इनकी खासियत क्या होती है, इनके अंदर हम जो ड्रग्स डालते हैं वो सिर्फ पोटेंट ड्रग्स होती है, यानी इनकी डोज बड़ी कम होती है, इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनकी डोज बड़ी कम होती है, तो आपने इनको बड़ा कैलकुलेटेड अमाउंट में डालना होता है। जब विटामिन्स के आते हैं ड्रॉप्स, जैसे विटामिन ए डी ई के ड्रॉप्स आते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आपने जब विटामिन ए डी जैसे फिश लीवर ऑयल वगैरह के ड्रॉप्स आते हैं, तो जब पेशेंट को ये आपने एडमिनिस्टर करने हैं उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जो आप कैलकुलेटेड ड्रॉपर जो है
साथ में देंगे क्वेश्चन को और उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। दो फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहाँ तो है कि आप पेशेंट को फ्रैक्शन ऑफ मिलीलीटर जितना भी एमएल का फ्रैक्शन पेशेंट में को एडमिनिस्टर करना है वो उसके डॉक्टर को ऑप्शन दिखाएंगे कि पॉइंट जैसे मोस्टली ये प्रोलैक्टिन्स के लिए बच्चों को पिलाए जाते हैं तो आप बताएंगे कि आप उन्हें जैसे 0.2 ml जो भी फ्रैक्शन ऑफ ml है उतना लेना है कैलकुलेटिव डॉक्टर में, एक मैथड ये है। दूसरा मैथड क्या है कि आप नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो है पेशेंट को बता देंगे कि 10 ड्रॉप्स ले रहे हैं 20 ड्रॉप्स ले रहे हैं वो 10 मैथड में, तो ये है आपका ड्रॉप्स ड्रॉपर जो है साथ में प्रोवाइड होता है। और लास्ट आ रहा है आपका लिक्विड प्रेपरेशन का कोल नहीं उसमें ड्रॉट। ड्रॉट क्या है? लिक्विड प्रेपरेशन टेकन एज ए सिंगल डोज और ही पेशेंट को हमने देनी है, लिक्विड प्रेपरेशन है मतलब सिंगल डोज की फॉर्म में देनी है, ठीक है। अगर मान लो आपने उसको बहुत सारी डोज दे दी है पेशेंट को तो सेवरल डोजेज जो है वो अलग अलग डिस्पेंस की जाएंगी, इकट्ठे नहीं दी जाएंगी, सिर्फ एक ही हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है टिंचर डीपी कैथेटर मैट्रिक जो है उसकी कि वो जो है वो हम सिर्फ सेवरल डोजेज एक घंटे में पैक करते हैं, अदरवाइज ड्रॉट में सिंगल डोज ही पेशेंट को डिस्पेंस की जाती है। तो इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है कि लिक्विड्स फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपने मिक्सचर पढ़े हैं, इसमें आपने सिर्फ एलिक्सर लिटिसिस ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स ये टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक यू।